गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। हाल ही में एनआईए और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और सैकड़ों गिरफ्तारियां भी की। कई राज्यों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। उत्तर प्रदेश में पीएफआई की गतिविधियों को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हाल ही के दिनों में लगभग हर बड़े कारनामे में पीएफआई का हाथ था। पीएफआई के बैन होते ही सीएम योगी ने एक ट्वीट किया। सीएम योगी ने कहा कि ये एक सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। योगी ने कहा कि ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद मचे बवाल में पीएफआई के हाथ होने की सूचना मिली थी। इसके अलावा हिजाब कांड हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला, पीएफआई ने इन मामलों को भड़काने की कोशिश की। नूपुर शर्मा विवाद के बाद जुम्मे पर यूपी में भड़की हिंसा मामले में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। सीएए प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन के समय भी पीएफआई ने यूपी में जमकर उत्पात मचाया। यूपी में पीएफआई की जड़ें काफी गहरी हैं। यूपी सरकार ने 2019 में ही पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी थी। अब इन सभी के बीच सीएम योगी का एक बयान फिर जिंदा हो गया है। इस बयान में सीएम योगी ने बता दिया था कि पीएफआई का क्या अंजाम होने वाला है। जो लोग कल तक सीमी के आह्वान पर, पीएफआई के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आज उनको लगने लग गया कि अब अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई, तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं, सारे मामलों को सरकार और प्रशासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा। आंदोलन और अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक को है, लेकिन इसके नाम पर उपद्रव और देशद्रोही कृत्य करने की छूट किसी को नहीं होगी।